Hello everyone, welcome back and let us continue our chapter accent neutralization. Now in accent neutralization, हमने पिछले अपने chapters में अपने पिछले lectures में हमने सीखा vowel sounds के बारे में. आज हम करते हैं consonant sounds. Consonant sounds बहुत important है कि हम उसको improve करें. Especially Indian accent में हम उस चीज़ को ज़्यादा forcefully बोलते हैं जिन words को हमको बहुत softer tone में बोलना चाहिए या जहाँ उनको सॉफ्ट बोलना चाहिए वहाँ हम थोड़ा हार्श बोलते हैं. सो उस चीज़ को देखने के लिए, उसको चेक करने के लिए हम ये कॉन्सोनेंट साउंड्स जानते हैं, सीखते हैं. सबसे पहले हमें कॉन्सोनेंट्स, जैसे हमने शुरू में जाना था कि कॉन्सोनेंट्स क्या है, हमारी इंग्लिश अल्फाबेट में, इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास 26 लेटर्स हैं जिनमें से 5 आर कॉल्ड वाउल्स. जो बाकी बचे हैं उनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स, जैसे बी सी डी एफ. सो ऑल ऑफ देम आर कॉल्ड मीन्स टिल जेड, ऑल ऑफ देम आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स. ना कॉन्सोनेंट साउंड्स में सबसे पहले उनको हमने कौन सी साउंड प्रोड्यूस करनी है या किस तरह से हम उसको प्रोड्यूस करते हैं वो हमें पता होना चाहिए. सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन. मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन क्या होता है? इसको टेक्निकल टर्म्स में MOAB कहते हैं, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन. ये क्या होता है? ये होता है कि आप अपने माउथ का या अपना कौन सा स्पीच ऑर्गन यूज करते हैं और उसको कैसे यूज करते हैं आर्टिकुलेट करने के लिए. जैसे मैंने आपको वॉल साउंड्स में बताया था कि आप अपनी टंग को कहाँ प्लेस करेंगे या आप अपने जॉ को कहाँ की मूवमेंट क्या होगी या आपके लिप्स की फॉर्मेशन क्या होगी. सो ऑल दीज आर योर ऑर्गन्स जो प्रोड्यूस कर, जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, आपका लिप्स, आपका, आपकी टंग, आपका जॉ, आपका इनर पैलेट, सब जो है आपका साउंड ऑर्गन्स हैं, स्पीच ऑर्गन्स हैं. तो आप उनको कैसे प्लेस करेंगे, दिस इज कॉल्ड द मैनर इन विच यू आर्टिकुलेट यानी एक्सप्रेस सर्टेन वर्ड्स. तो ये क्या होता है एक्चुअली? सो इट इज हाउ योर स्पीच ऑर्गन्स लाइक टंग, lips, teeth, etc. make contact to produce sounds. अब मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन को भी हम समझ सकते हैं. सो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन को अगर हम समझना चाहें तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 5 पार्ट्स में, जिसमें सबसे पहला है प्लोसिव्स. Plosives में क्या होता है, ये वर्ड आया है एक्सप्लोजिव से. एक्सप्लोजिव एज इट एक्सप्लोर्स, जैसे एक एक्सप्लोजिव एक्सप्लोड करता है, उसी तरह इस वर्ड को प्रोनाउंस किया जाता है. मीन्स पहले बिल्कुल अपने स्पीच ऑर्गन्स को क्लोज करके और एकदम विद अ सडन फोर्स आपके मुंह से उसको रिलीज किया जाता है, उस वर्ड को, उस अल्फाबेट को. सो दीज साउंड्स आर कॉल्ड प्लोजिव साउंड्स. सो इसमें जो आता है, इसमें इट्स लाइक अ कंप्लीट क्लोजर. ऑफ ओरल पैसेज एंड सब्सिक्वेंट रिलीज accompanied by a burst of air.
ऐसी साउंड्स को हम प्लोसिव साउंड कहते हैं. इसको याद रखने के लिए आप इसको याद रख सकते हैं कि वर्ड एक्सप्लोसिव से आया है. और जैसे ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं, ऐसे अल्फाबेट्स को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, उसको इसीलिए हम प्लोसिव कहते हैं. जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं पी साउंड. जैसे हम कहीं किसी वर्ड में पी है तो उसको हम कैसे साउंड करते हैं, Now this is when you close your mouth and subsequently you open your mouth, you release and that with a burst of air, pa, 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 it's like the air is released out. So this is called plosives. These kind of sounds produced are called plosives. Is category mein p aata hai, the d sound is also there, the t sound also comes here. So kafi sari sounds isme aati hain. Uske alawa एक और कैटेगरी है, उसको कहते हैं फ्रिकेटिव्स. सो फ्रिकेटिव्स आर व्हेन वी फोर्स ब्रेथ, व्हेन यू फोर्सफुली ब्रेथ, देन सच वर्ड्स आर कॉल्ड, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज स्पायरेंट्स. हियर यू फोर्स ब्रेथ, ये साउंड्स प्रोड्यूस की जाती है व्हेन यू आर फोर्सिंग योर ब्रेथ. इसके एग्जांपल्स हैं फ साउंड, स साउंड, व साउंड, द साउंड, ज, श साउंड, ज साउंड. और इन्हीं में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन्स ही होते हैं. प्लोसिव्स और फ्रिकेटिव्स ऐसे हैं जिनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन्स होते हैं और सबसे ज्यादा एमटीआई प्रॉब्लम्स इन्हीं एरियाज से उठती हैं, इन्हीं साउंड्स से उठती हैं. स, श, फ, ये इश्यूज बहुत कॉमन हैं. ये साउंड्स प्रोड्यूस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है लोगों के लिए और इसी में मदर टंग इन्फ्लुएंस भी ज्यादा पाया जाता है. इसके बाद आता है एफ्रिकेटिव्स और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एफ्रिकेट्स. इसमें क्या है, ये प्लोसिव्स और फ्रिकेटिव्स का कॉम्बिनेशन है तो ये और कॉम्प्लेक्स हो जाता है थोड़ा सा. बट इसमें इतना इश्यू नहीं होता, इतना प्रॉब्लम नहीं आती लोगों को जितना इन्फ्रिकेटिव्स में और प्लोसिव्स में आती है. ऑल्दो कहने के लिए एफ्रिकेटिव्स आर मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज दे हैव अ स्टॉप कॉन्सोनेंट फॉलोड बाय अफ्रिकेटिव. So it's a combination of plosives and fricatives. इसमें जो sounds हम करते हैं basically are ch sound, j sound, जिनमें बहुत ज्यादा problems नहीं आती. j and z sound confusions इन दोनों sounds में होता है लोगों. Let's come to the next category and that is approximants. Approximants होते हैं जहां हम कुछ अपनी जो वोकल कॉर्ड्स को हम थोड़ा वोकल ट्रैक्ट को हम नैरो करके बोलते हैं. जैसे W को अगर हम प्रोनाउंस करते हैं तो इट्स वो वो. सो व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आप अपने वोकल ट्रैक्ट को सिकोड़ रहे हैं, उसको पतला कर रहे हैं बोलने के लिए. वो अगर आप इमेजिन करें, अगर आप इसको बोल के देखेंगे मेरे साथ तो आप इसको जान पाएंगे कि आप उसको नैरो कैसे करते हैं. सो सच काइंड ऑफ साउंड्स और द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन इज कॉल्ड प्रॉक्सिमेंट्स. इसको हम प्रॉक्सिमेंट्स कहते हैं जब हम ऐसे साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं. ये होता है जब आप
नैरो करते हैं अपने वोकल ट्रैक्ट्स को और इनमें साउंड जाती हूँ वो आर र देन वाई देन एल ऑल दीज साउंड्स कम अंडर दिस कैटेगरी. इसके बाद हमारा कुछ एक होता है नेजल. नाउ नेजल अगेन नेजल साउंड्स कैसे प्रोड्यूस करें, अगेन ये भी एक तरीका है साउंड्स प्रोड्यूस करने का. तो ये नेजल जो होता है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो है सबसे पहले अपना जो सॉफ्ट पैलेट है उसको थोड़ा नीचे करते हैं जिससे हमारा नेजल कैविटी जो होती है वो रेजोनेट करती है, मींस हिलती है थोड़ा सा, और हिलती है तो साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं. इसमें यू लोअर सॉफ्ट पैलेट आप अपने सॉफ्ट पैलेट को थोड़ा नीचे करते हैं और उसके बाद जो हवा है वो रेजोनेट करती है आपकी नेजल कैविटी को. म म सा म देन न सा एंड देन ह सा देन ng comes at the end. So writing g sound jo end mein aata hai that is also a nasal sound that is produced. So ye sirf ek introduction hai, aapko pata hona chahiye ki kaun si sounds kahan se produce hoti hain aur kaise aap unko kar sakte hain. Ye sara consonant sounds ke liye maine aapko bataya. Ab sabse pehle start karte hain plosives se. Plosives मैंने जैसा आपको बताया comes from explosives और इसमें हम पूरा अपना जो क्लोज कर फिर उसको एक फोर्स के साथ रिलीज करते हैं क, जैसे मैंने आपको बताया था ट. सो इसमें क्या होता है, इसमें प्रोनंसिएशन में भी इसमें भी आपको अपना सॉफ्टर टोन ही रखना है बट अगेन इट्स अ बिट फोर्सफुल, थोड़ा सा फोर्स लगता है उसमें. सबसे ज्यादा जो है प्लोजिव में हम कहते हैं जैसे 21 जो हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं आउट ऑफ 21 सिक्स आर प्लोजिव. और वो कौन कौन से हैं, पी बी टी डी K and G. ये सिक्स जो है आपके प्लोजिव कैटेगरी में आते हैं. अब इनमें भी अगर आप देखें तो दे आर मच हैवियर देन द रेस्ट. मच हैवियर देन द रेस्ट मीन्स बोलने में जो है ये वर्ड्स थोड़े, ये अल्फाबेट्स थोड़ा हैवी है, ये लेटर्स थोड़ा हैवी है. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पी साउंड से. So when I say P, इसको आप प्रोड्यूस करके देखिए P, just stretch this, P, 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 P. Now speak it 5 times, P, P, P. See the movement of my lips and do that with me in your class. P, 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 P. So mouth is closed first. Then it is released with subsequent air coming out. So it is like P. So 5 times you need to do that. Now let's see few examples. Like people. It's like people. People. Or hum Indian accent mein ya hum normally kaise bolte hain, people. People. It's like people. The correct pronunciation is like people, right? So then you have pick, pity,
You have power. Hype. Police. Now, like, अगर आप इस वर्ड को प्रैक्टिस करें बार बार जैसे मैंने आपको दिखाया और उसके साथ कुछ वर्ड्स के साथ, तो आपका ये प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ठीक हो सकता है. और ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन एरर है इंग्लिश इंडियन एक्सेंट में, जो हम बोलते हैं इंडियनाइजेशन ऑफ द एक्सेंट. तो उसमें हम लोग प साउंड जो है बड़ा कैजुअली बोलते हैं, इट्स नॉट टेकन केयर ऑफ, जबकि अमेरिकन एक्सेंट में इज मोर सॉफ्टर देन इंडियन एक्सेंट. So, इसको आप थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करें, कम टू द लेवल वेयर एवरीवन कैन अंडरस्टैंड दैट. सो इसके बाद हम कुछ नाम जो कि बहुत कॉमन अमेरिकन नेम्स हैं वो सीखते हैं. स्टार्टिंग विथ पी, सो इट्स लाइक पीटर, 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 देन पॉल, Patrick, Pauline, Pamela, Pedro, Petrica, Patricia. So all these are few American names that are very common there. और अगर आप अपना future call center में देख रहे हैं तो ये नाम आपको कई बार आपको सुनने को मिलेंगे. कहीं ना कहीं किसी के नाम में आपको word ये नाम जरूर मिल सकते हैं P alphabet से. So if you practice these names, इन नामों को भी अगर आप बोलने में practice करें, like Peter, Paul, Pamela, then you have Patrick, Pauline, Peggy, Patricia. So all these names are will actually improve your accent. Now let's move on to the next category. ये मैंने आपको बताया ये plosive sound है. Plosive means when it is a kind of explosive one. लेकिन ये तब होता है जब आपका वो consonant शुरू में है. अगर वो consonant आपका किसी वर्ड के बीच में आता है तो वो नॉन प्लोजिव साउंड प्रोड्यूस करता है. नॉन प्लोजिव मीन वो साउंड इतना गश ऑफ एयर के साथ, इतना जोर उस साउंड के फोर्स के साथ नहीं बोला जाता. फॉर एग्जाम्पल, non-plosive इन्हीं इन वर्ड्स में देखिए, अगर आप ऑब्जर्व करें कि दीज वर्ड्स आर नॉट स्टार्टिंग विद पी, ये पी से स्टार्ट नहीं हो रहे, तो दे कमिंग इन द मिडिल समवेयर. सो इनको हम प्रोनाउंस करेंगे, सो इट्स लाइक कोऑपरेट, कोऑपरेट. सो इट्स नॉट लाइक उन पर हम प्लोसिव नहीं लगाएंगे, बट वो होता है जब कोई वर्ड पी साउंड से बिगिन शुरू होता है. So, importance, importance. So, it's not very harsh, again, or बहुत stressful नहीं है. It's simple as you have in, as you have, as compared to
प्लोजिव वन ये होता है नॉन प्लोजिव नॉन एक्सक्लूसिव समझ सकते हैं आप उसको अप्रिशिएट अपॉन अप्लॉड सो इट्स लाइक इजियर देन द बिगिनिंग वन इजी होता है जो शुरुआत से अब चलिए एक पैसेज हम छोटा सा पैसेज लिखते हैं और उसको फिर रीड करते हैं Okay, now we are here with a very short passage which has lots of P sounds. So how to pronounce those sounds here? So let's read it together. I want you people also to read it. Now when you read it, open your mouth to speak. You can speak louder in your class as well. So Pauline, Peter and Patrick were all perfect. I want you to go slow. Were all perfect. Perfect.
in the professional college, Patrick, pretty much knew it all. Pauline and Peter picked up their degrees prior to Patrick. Patrick and Pauline would dream of places where they could procure peace and harmony. People would always pity the poor kids for how much they would pressurize themselves in their studies. Now, I went very slow. Now, increase your speed. Pauline, Peter, and Patrick were all perfect in their professional college. Patrick pretty much knew it all. Pauline and Peter picked up their degrees prior to Patrick. Patrick and Pauline would dream of places where they could procure peace and harmony. People would always pity the poor kids for how much they would pressurize themselves in their studies. Now this was how you could speak. इस तरह आप इसको बोल सकते हैं. आप धीरे धीरे अपनी स्पीड इंक्रीज कीजिए उसकी पढ़ने की. पहले बिल्कुल स्लो पढ़कर एक एक वर्ड को आप सही से प्रोनाउंस कीजिए और उसके बाद अपनी स्पीड इंक्रीज कीजिए. इस तरह आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं. आपकी बुक में भी पैसेज आपको गिवन है, आप उससे रेफर करिए और उनको रीड करिए. रीड इट अलाउड अपने फैसिलिटेटर के सामने, उसको जोर से पढ़िए. तो ये कुछ साउंड्स जो हैं, जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि कौन से साउंड्स कहाँ से प्रोड्यूस करी जाती हैं आपके स्पीच ऑर्गन से. इनमें से कुछ और साउंड्स हम सीखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में. बाय दैट टाइम, थैंक यू.